रात्रि क्लास चल रहा था 26/12/1968 दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि भक्ति मार्ग में ज्ञान तो होता ही नहीं, शास्त्र पढ़ना करना कोई ज्ञान नहीं कहते, परंतु वेद का बाप कहते हैं ज्ञान तो एक से ही आता है, जिसे एक से सदगति हो जाती है। शास्त्र पढ़ते हैं ये बच्चे इतने, शास्त्रों के पढ़ने से कोई सदगति थोड़े ही मिलती है, और सदगति जाना माना ही सदयुग में आना, दुर्गति माना ही कलयुग में आना। तो तुम सदगति में जाते हो, पीछे तुमको मालूम है फिर हमको दुर्गति में भी जाना है। कब जाना है सो भी तुम जानते हो अच्छी तरह से, कि जब द्वापर में जाना शुरू कर देते हैं तब की बात है। सो भी अभी तुम तो कुछ भी नहीं जानने में, फिर भी कुछ भी नहीं कह जाने से ऐसे नहीं कहा जाएगा कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो। नहीं, अगर कुछ भी नहीं जानते हो फिर तो एकदम जैसे जानवर हो गए। परंतु कोई जानवर हो थोड़े ही, सहज है। सिर्फ तुमको जो तकलीफ होती है बाप सुनाते हैं ना, तुम्हारी युद्ध है माया के साथ। तुम याद करते हो माया भुलाए देती है, विघ्न डाल देती है, किस न किस प्रकार का विघ्न डाल ही देती है। छब्बीस बारह 1968 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज। और तो कोई भी तकलीफ तुमको है नहीं, चक्कर को जानना ये तो कोई डिफिकल्ट थोड़ी है बच्ची। नहीं, 84 का चक्कर जानना है ना तुमको, तो उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। बाकी युद्ध होती है याद में, वो कहते हैं मेरे बनो, और बाप कहते हैं मेरे बनो। ये है युद्ध जरूर, और कड़ी युद्ध है। तो बाप कहते हैं कि आधा बरोबर खा जाती है, ढेर के ढेर को खा जाती है। अब इसमें तो बहुत आए हुए हैं नए नए, तुम्हारी भी बहुत हैं। तो दूसरी दफे तो माना तुम एक दो घुमा के आएगी, यानी अक्सर करके देखा गया है। तो वो आते हैं तो बच्चे पूछे जाते हैं फलाना आता है या नहीं आता है। बोला वो चला गया, फिर माया खा गई उसको। तो तुम ये अपने पास हिसाब रखेंगे तो तुम कितनों को निकालेंगी,
अरे वो आता था, वो फलाना आता था, अभी आता नहीं है, माया खा गई उनको। तो बाप समझाते हैं ना, ठीक समझाते हैं कि बच्चे आधा को खा जाती है, क्योंकि जैसे बाप है आलमाइटी, तैसे फिर ये माया रावण आलमाइटी है, क्योंकि कोई वो रावण वो नहीं है, रावण और राम जो युद्ध दिखलाते हैं, नहीं, विवेक कहता है कि हाफ एंड हाफ है, द्वापर से ही लेकर के कहेंगे रावण राज्य, कलयुग के अंत तक कितना समय हुआ, 2,500 वर्ष हुआ, फिर सतयुग से आओ द्वापर तक 2,500 वर्ष हुआ, तो है ना हाफ एंड हाफ, तो हाफ एंड हाफ है शक्तिवान। तो उस समय में जब तुम आते हो तो देखते हैं बरोबर बहुत ही गुम हो जाते, हर एक सेंटर वाला ऐसे ही कहते हैं, बाबा आते थे, बाबा 2 महीना आया, 1 महीना, 3 महीना, अभी आता ही नहीं है। तुम खुद आकर के बाबा को समझाते हो, वो तो बाबा कहते हैं ना, बच्चे इसमें मुझने की तो कोई बात ही नहीं है, कल्प कल्प ऐसा ही होता है, यहां आधा को माया जरूर खा जाती है, ड्रामा में पार्ट है उनका, तो बरोबर खा जाते हैं। तुम कभी भी कोई क्लास अपना अच्छी तरह से जांचो, इतना याद अगर नहीं कर सकते हो तो चित्र लियो, 8 आने का तो चित्र मिलता है, जास्ती तो नहीं है, तो सबके चित्र निकाल के रखो, बारह महीने के पीछे पोता मेल निकालो इन चित्रों का, तुम देखेंगे बहुत नहीं देखने में आए, और फिर उन चित्रों को भी देख करके फिर बोलेंगे ये तीखा जाता है, ये ठंडा जाता है, ये हल्का है वो हल्का है, ये ऐसे इनकी अवस्था है। बाकी नहीं, वास्तव में तो तुमको तो सिर्फ बाप ही है, बाप तो कहते हैं बाबा भी याद आवे, वो भी याद है, परंतु सिर्फ बाप याद आवे तो भी तुमको स्वर्ग जरूर याद आना चाहिए, वो तो है ही मनमना भव मद्यादि भव, टीचर हो गया ना, वृद्धि को पाता है ना, पहले प्यार तो होते हैं बाप में माँ में, पीछे तुम शादी करते हो तो उन दोनों से निकल करके तुम्हारा प्यार उनसे जास्ती स्त्री में चला जाता है, ठीक है ना। अच्छा
स्त्री से जब कोई बच्चा पैदा हुआ तो उफ, स्त्री से भी तुम्हारा बच्चे में जाकर के प्यार लगेगा, ऐसा क्यों? कि बारस हमारे पास आया और बच्चा किसी को नहीं होवे तो देखो कितने फटकते हैं। बच्ची होगी तो सेटिस्फाई नहीं होंगे पूरे, बच्चा होगा तो सेटिस्फाई होगा। और कोई कोई होते हैं तो बोलते हैं एक कन्या तो जरूर घर में चाहिए। कन्या जैसे कि क्या पास घर में होगी, उनके पास लक्ष्मी यानी धन बहुत होगा। क्यों भाई बहुत धन होगा? वाह, कन्या को तो भरसा देना ही है ना, तो वो भी इकट्ठा होगा ना उनको देने के लिए। अच्छा, बच्चे को नहीं देना है क्या? हाँ, बच्चे को भी देंगे, वो बाकी बैलेंस तो बोलेंगे। तो अभी सभी बातें जो यहां की जाती हैं, देखो बाबा ने आज की ना, फिर कभी ये बातें सुनेंगे वो, फिर कल्प के बाद सुनेंगे। इसको भी अच्छी तरह से याद रखना होता है, क्योंकि सेकंड सेकंड पास होता जाता है। तिथि, तारीख, दिन, मास, घंटा सब बदल करके सब पास होता जाता है। तो तुम अभी भी ख्याल करेंगे? हाँ, बरोबर हम सतयुग में थे, पीछे ऐसे ऐसे दिन, घंटे, क्लाक, मास, ईयर, घड़ी बीत गए। इसके ऊपर गीत भी बहुत होते हैं। जन्मजात जैसे रेल, पीछे उनके बताते हैं बरस बरस की बनी स्टेशन, मास मास का मेल। ये गीत है, गीत। किसी ने कुछ कहा इसके ऊपर, यानी टाइम कैसे पास होते हैं उनके ऊपर गीत गाया हुआ है। किसी ने कहा बरस बरस की बनी स्टेशन जैसे रेल, रेल जाती है ना, ट्रेन जाती है। किसी ने कहा हाँ, तो उसको कहते हैं कि भाई बरस बरस की बनी स्टेशन, फिर मास मास का मेल। 26/12/1968 की रात्रि क्लास का चौथा पेज। पारसी मेल, नवे मेल, अच्छा बस उनके आगे अक्षर है ही ऐसे, गीत है पूरा। पर हमको थोड़ा अक्षर याद नहीं पड़ते हैं। रूहानी बाप देखो, बाबा रात को वास्तव में जब भी बाहर जाते हैं तो रात को कभी नहीं ये वाणी चलाते, उनको तो आना पड़े, तो रात को भी चलाए, तो सबको घर छोड़ करके आना पड़े। तभी बड़े शहरों में जाता हूं
तो वहां रात को नहीं, और यहां तो तुम्हारा घर है, बाप कभी बैठे हो, मैं भी क्या करूं, मैं भी चला आता हूं, आ जाता हूं, थोड़ा बहुत बच्चों को कुछ न कुछ बहलाए देता हूं। तो किसी ने कहा ठंडी गरम, अभी ठंडी गरम गरम ठंडी ये तो होता ही रहता है। बच्चों पर तिरुहानी, बाप दादा का दिल व जान से करो प्रेम से याद प्यार, गुड नाइट। देखो अक्षर भी तो ठीक कहते हैं ना, दिल व जान से करो प्रेम से, तो देखो कितना प्रेम से आता है यहां क्लास में, और एक्यूरेट गारंटी लेकर के आते हैं कि मैं जाकर के सभी बच्चों को आत्माओं को सुखदाम व शांति ध्यान में पहुंचाए करके वापस जाऊंगा। यह है ना ठीक, और ये भी कोई एक दफा की ड्यूटी नहीं है, ये हमारी बरस बरस की, किसी ने कहा कल्प कल्प की, कल्प कल्प की नहीं, परंतु बाबा बरस बरस समझते हैं। अरे कल ही तुमको नाले सुना के गए, और फिर देखो आज मैं आया हूं, तुमको कल कितना धनवान बना करके गया, आज तुम इतना, तुम्हारा हाल कैसे हो गया। तो जैसे कि कल की बात है, तुम लिखते भी हो आज दुखदाम कल सुखदाम, आज नरक कल स्वर्ग, तो तुम्हारा हौसला भी तो इसमें बढ़ता है ना, ये है क्या। अभी कल तो जाएंगे सुखधाम में, पीछे दुखधाम का वहां नाम सुनेगा भी नहीं, भक्ति मार्ग में सुनते हो स्वर्ग का नाम, परंतु स्वर्ग में तुम फिर नरक का नाम नहीं सुनते हो, कभी भी नहीं। अगर नाम वहां भी सुनो तो तुमको घुटका आता जावे, क्या फिर नरक में जावेंगे। तो वो तुमको सुख दुख हो करके रह जाएगा, तो जाएंगे फिर गिरेंगे। अच्छा मीठी मीठी शिकील दी रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।